मनरेगा के गग्गर पार के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कों पर 3 से 4 फुट पानी आ गया है और लगभग 10 गांव का एक दूसरे गांव से संपर्क कट गया है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या सरकार का नुमाइंदा मौके पर नहीं पहुंचा है, जिस वजह से ग्रामीणों में भारी रोष है और इसके चलते ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3 दिनों से उनके गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिस कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और साथ ही बताया कि पानी आ जाने से उनकी लगभग 1400 से 1500 एकड़ फसल खराब हो चुकी है। दो दिन तो उरे पानी चल रहा, घग्गर दा नाल ही घग्गर पैंदा जी, 2 किलोमीटर साढ़े उरे फसल बर्बाद हो रही है, बिल्कुल ही फसल खत्म हो गई साड़ी। साढ़े उरे कोई बंध का प्रबंध नहीं, कोई उरे पुली का प्रबंध नहीं, पुली भी साढ़े उरे लग जाए तो भी पानी सौखा निकल जाए, सड़क के उपर दी पानी जा रहा। आप देखो पिछे इधर सारा सारे पैदल हो रहे हैं, पट पट पानी चल रहा जी, फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई जी। कोई प्रशासन नहीं उरे, कोई नहीं आया जी, पागल चौंकी तो पुलिस वाले 1-2 आए हैं, वो गेड़े मार के चले गए, ना साढ़े तहसीलदार आया, ना SDM आया, तो ना MLA साहब आए ने, कोई भी सरकार का कोई भी मुलाजम करिंदा कोई नहीं आया जी साढ़े तक।